आप देखिए कि पहले इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं, इलेक्ट्रिक बाइक्स आ रही हैं, तो ये सब कुछ जो है गजल एक ब्रेक ले लिया जाए जी, बिल्कुल। तो दोस्तों आप देख रहे हैं शेयर आइडिया चलते इंडिया, हम चर्चा कर रहे हैं आइडियाज की, इनोवेशंस की, इनोवेटर्स की, इन्वेस्टमेंट की। ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी, आप कहीं मत जाइएगा। एक बार फिर से स्वागत है आपका, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम शेयर आइडिया चक द इंडिया और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मिस्टर ग्लैडविन डेविड, कॉर्पोरेट ट्रेनर, ऑथर, काउंसलर, मल्टीफैसेटेड पर्सनालिटी। थैंक यू। डेविड जी, अभी तक हम बात कर रहे हैं आइडियाज की। आइडियाज को हमने डिफाइन किया है एक लेमन लैंग्वेज में, आइडिया का ओरिजिन, किस तरह से आगे उसमें क्रिएटिविटी डाली जाए। तो अगर हम आइडिया को बिजनेस से रिलेट करें तो आइडिया की कितनी इंपॉर्टेंस है बिजनेस डेवलपमेंट में? बहुत इंपॉर्टेंस है आइडिया की बिज़नेस डेवलपमेंट में, क्योंकि कोई भी कंपनी जो है, कोई अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो उसको ये देखना होता है कि अब किस तरह से मैं मार्केट में पेनिट्रेट करूं, और उस आइडिया पे बेस्ड बड़े बड़े बिजनेस जायंट्स बनते हैं। कोई भी प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो जो भी प्रोडक्ट है वही एक पहचान बनाता है। और बिजनेस में जैसे अगर इन्वेस्टमेंट या जो ऐसे इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है और फाइनेंशियल जो एस्पेक्ट देखा जाता है, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़, कंपैटिबिलिटीज़, ये सब क्या ये सारी बातें एक इन्वेस्टर ध्यान में रखे कि जैसे मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर कि हमारे कई दर्शकों के पास एक छोटी सी जगह होगी 200 स्क्वायर फीट की, तो जो आइडिया उनके दिमाग में आ रहा है या कोई आइडिया उनके पास लाता है, क्या 200 स्क्वायर फीट के अनुसार वाली जो जिसको एक्सिक्यूट किया जाए वैसा ही आइडिया लिया जाए, या कोई 500 स्क्वायर फीट की जगह वाला कोई काम हो? बिल्कुल, मतलब इस तरह की सारी बातें बिल्कुल इसमें कंपैटिबिलिटी देखी जाती है कि जो मैं आइडिया सोच रहा हूँ वो उस स्पेस के हिसाब से, उस प्रीमाइसेस के हिसाब से पॉसिबल है या नहीं है, जो मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना फिर स्पेंड करने वाला और जो रिसोर्सेज है मेरे पास उसको मैं कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अगर आइडिया के बिजनेस इंपॉर्टेंस देखें तो मुझे लगता है कि सबसे पहला तो गजल रिसोर्सेज, आपके पास रिसोर्सेज, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब आ गया, रिसोर्सेज, एंड देन उसके बाद एक्सिक्यूशन। जी, आप एक जैसे कहावत है कि बिजनेस इज लाइक ए बाइसिकल, यू कीप राइडिंग अदरवाइज यू विल फॉल डाउन। तो इसमें साइकिल सीख जाते हैं और अगर आप अगर रुकेंगे तो गिर जाएंगे चलाते रहो। बिल्कुल, तो उसमें आइडिया आया, आपने शुरू किया, लेकिन आपको सोचते रहना है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, सोचते रहना जिससे कि आगे बढ़ता जाए। एक बार आपने कोई कंपनी लॉन्च कर दी, कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, लेकिन अगर वो स्टैग्नेंट हो गया, अगर उसी आइडिया के साथ आप लगातार नहीं चल सकते, क्योंकि कस्टमर का माइंड चेंज होता रहता है, एंड एवरीवन ऑफ अस हैपेंस टू बी अ कस्टमर, जरूर, एंड और हमारा जो होता है वो बहुत चेंजिंग दिमाग होता है कस्टमर का, चेंज इज कॉन्स्टेंट। तो उसी हिसाब से अपने आइडिया को भी आपको बनाए रखना है। आप हमारे देश में फिल्मों का एग्जांपल लीजिए, क्योंकि किस तरह से नई पिक्चरें आती हैं, कुछ एक सेट फॉर्मूला नहीं है कि यही पिक्चर हिट करेगी। कभी कॉमेडी का दौर आता है, कभी हॉरर का आता है, कभी सस्पेंस थ्रिलर आता है, तो ये बदलता चला जाता है। राइट, और अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मैं एक बार पहले भी हमने चर्चा की जी, और मैं दोबारा चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि हमारा प्रोग्राम ही है इन्वेस्टर्स और आइडियाज, तो आइडियटर्स के लिए। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में फिर से बात करना चाहूंगा कि एक इन्वेस्टर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को क्या कैसे कैलकुलेट करे, और क्या कैलकुलेट करे और कैसे ध्यान रखे कि वो किसी आइडिया को अपना ले कि यस आई एम रेडी टू मूव अहेड, ये कैसे क्या मतलब कैसे क्या उसकी साइकोलॉजी क्या होती है? उसकी साइकोलॉजी ये होती है कि वो ये देखता है कि जो भी अब तक सर्वे हुआ उसका पूरा कैलकुलेशन करके कि मुझे इस बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट लगाना है, और क्या रिसोर्सेज लगेंगे उसमें, सब कुछ ऐड करके उसके बाद आपने सर्वे का नाम लिया जी। मतलब एक इन्वेस्टर सर्वे भी करवाता होगा, ये सोचेगा बहुत जरूरी, क्या इस तरह के प्रोडक्ट पहले आ चुके हैं जी, या इससे मिलते जुलते प्रोडक्ट आ चुके हैं। अच्छा, तो मतलब सर्वे मतलब कैसे, आम लोगों के बीच में या आम लोग या टारगेट पीपल? कई तरीके हैं आजकल, डायरेक्ट पीपल में भी, मासेस में जाके भी सर्वे कंडक्ट होते हैं, डोर टू डोर भी होते हैं, मेल्स के जरिए भी होते हैं, तो बहुत से अलग अलग तरीके हैं जिनसे सर्वे करके पता लगाया जाता है कि क्या हमारी जो टारगेट पीपल हैं वो क्या हैं, और किस तरह से मैं अगर अपने प्रोडक्ट को उनके बीच में पहुंचाऊंगा
तो क्या मुझे रिटर्न आएगा। अच्छा, और बिजनेस एडवर्टीजमेंट भी आप मानेंगे एक बिजनेस बन चुका है, बहुत बहुत, बहुत बड़े स्तर पर हमारे भारत में आ चुका है और बहुत अच्छी अच्छी एडवर्टीजमेंट बनती है आजकल टीवी पे देखने को मिलती है। जी बिल्कुल। तो क्या मतलब वो भी लगातार आइडिया का एक ये है कि आप लगातार नए नए आइडिया के साथ एक ही बात को प्रस्तुत करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जी कॉम्पिटिटर बहुत एकदम से जो है कॉम्पिटिशन स्टिफ है आजकल कि नए नए कॉम्पिटिटर्स खड़े हो जाते हैं, तो एडवर्टाइजमेंट की अहमियत ऐसे है कि अगर एक चीज ऐसी बोरिंग ना लगने लगे लोगों को कि ये यही चीज रिपीटेशन ना हो तो इस तरह से ऐसा कोई नया इजाद किया जाता है एडवर्टाइजमेंट की जिससे कि लोगों के दिमाग पे एकदम हिट करे, डायरेक्ट हिट करे कि ये प्रोडक्ट है भाई, ये कोई हटके चीज हमारे सामने ला रहे हैं। इम्पैक्ट बहुत इम्पैक्ट, हमेशा इंटरेस्ट वही बना जी, उनके इमोशंस को ध्यान में रखते हुए कुछ पारिवारिक एड बनते हैं, कुछ ऐसे उनके सब चीजों का ध्यान रखा जाता है। तो डेविड जी, ऐसा ही हमारा भी एक आइडिया है, हमारा ये शो शेयर आइडिया चक दे इंडिया, जहां हम लोगों को इनवाइट करते हैं उनके आइडियाज हमारे साथ शेयर करने के लिए, और एक हमारी मुहिम है कि सारे इन्वेस्टर्स और सारे आइडिएटर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर आए। तो आपको ये आइडिया हमारा कैसा लगा ये प्रोग्राम? बिल्कुल, मैं बहुत आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा कि बहुत अच्छी पहल है जिस तरह से एक प्लेटफॉर्म है उन लोगों के लिए, क्योंकि कई ऐसे देश हैं जहाँ पे अभी भी पिछड़ापन है, और हमारे देश में एक ऐसा ये प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है, एक फोरम है जहाँ पे आइडिया, जिसको कहते हैं किसी इंसान को अगर आइडिया आया, और इन्वेस्टर्स, इन दोनों को मिलाने का एक प्लेटफॉर्म है। अभी मैं एक सवाल, आपने अभी देश की बात की जी, क्या आइडिया इतनी बड़ी चीज़ है? मैं अपना ख्याल कह रहा हूँ कि कुछ देश बहुत विकसित कर गए हैं, कुछ देश अविकसित रह गए जी, कुछ होड़ में हैं जी, तो क्या अविकसित देशों में क्या ऐसा कारण है कि आइडिया उनका फ्रक्टिफाई नहीं हो पाया, उनका आइडिया उनके जहन में ही रह गया, और जो विकसित देश हैं वहाँ आइडिया आता है और आइडिया फ्रक्टिफाई होता है, आइडिया को एक्सिक्यूट किया जाता है, क्या ऐसा कुछ कारण है? बहुत अहम कारण है इसका, क्योंकि अगर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म जैसे आप लोगों ने प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें एक मौका मिल रहा है लोगों को कि जिनको इन्वेस्टर्स और आइडिया जिनको जनरेट हो रहा है उनको मिलाने का, अगर उन देशों में ऐसी चीज़ नहीं है तो ये नामुमकिन है, क्योंकि आइडियाज़ तो आते होंगे लोगों को, लेकिन अगर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और क्या उनके पिछड़ापन का ये कारण भी हो सकता है कि आइडिया दिमाग में ही रह गया, ऐसा कुछ हो सकता है? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि ये भी एक कारण है कि उनका पिछड़ापन ये ऐसा होता है। और अगर अपने प्रोग्राम की हम बात करें, हम अपने दर्शकों के साथ लगातार बात कर रहे हैं शेयर आइडिया चक दे इंडिया में, इसमें आपको जैसे हम कह रहे हैं कि आप अपने आइडियाज हमें फोन पे बताइए, और मैं आपको बता दूं, हमने अपने दर्शकों के साथ भी बात की, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि हम ये दर्शकों को कहते हैं कि आप अपने आइडियाज हमें फोन पे बताइए, 6 दिनों का वक्त है, हर संडे हम आएंगे आपके पास 12:30 बजे, 6 दिनों का वक्त है, 6 दिन में आपके हम आइडियाज सुनेंगे, जो बेस्ट आइडिया हमें लगेगा उस बेस्ट आइडिया को चुन करके हम उस पर अपने बिजनेस एक्सपर्ट के साथ, इनहाउस एक्सपर्ट के साथ उस पर चर्चा करेंगे, राइट गजल? तो ये आइडिया कैसा है? ये बहुत अच्छा आइडिया है, और लोगों को एक मौका मिलेगा जिससे कि पूरी आपका जो कोई अर्बन क्लास को आप रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं या किसी को, एक सब मासेस को क्योंकि रिप्रेजेंट हो रहा है ये, कि आप अपना आइडिया दीजिए, और आपको एक वक्त दिया जाता है कि इस दौरान दीजिए, और जब आइडियाज आएंगे आपके पास तो एक अच्छा मौका होगा लोगों को, क्योंकि इतनी आबादी है हमारे पास, इतनी आबादी है, इतने लोग हैं, हर किसी के पास, हर किसी, और आप तो ह्यूमन रिसोर्स एक्सपर्ट भी हैं जी, और मुझे लगता है कि अगर किसी के ह्यूमन रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करना हो, उसको यूजफुल बनाना हो, तो उसके अंदर के जो आइडिया है उसको निकालने होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप ह्यूमन रिसोर्स में जो आपका जो विभाग है उसमें आप कैसे करते हैं, कैसे कहते हैं आप? जैसे कहावत है कि रिक्रूटमेंट इज एन आर्ट एंड रिटेंशन इज मार्शल आर्ट, मार्शल आर्ट, एग्जैक्टली। तो उसी तरह से नए नए जो आइडियाज लोगों को आते हैं उसको बनाए रखना पड़ता है, कंपनीज बोलती हैं कि आप अपने आइडिया शेयर कीजिए हमारे साथ, और हर इंसान के पास अगर उसे मौका दिया जाए तो वो विकसित करने की क्षमता रखता है अगर उसको सही जगह पर इन्वेस्टर मिल जाए, सही जगह इन्वेस्टर मिल जाए, राइट राइट। और डेविड जी, मैं आपको बताऊं कि पिछले, जब हमने एक हफ्ता पहले ये प्रोग्राम शुरू किया है, तो पिछले हफ्ते में 6 दिनों में काफ़ी सारी कॉल्स आई हैं, काफ़ी लोगों ने शिरकत की है हमारे प्रोग्राम में, और उसमें उनमें से हमने एक आइडिया चुना भी है। अच्छा, और उस आइडिया के बारे में बात भी करेंगे जी। अभी एक ब्रेक का वक्त हो चला है। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी हैं कुछ आइडियाज हमारे साथ शेयर करने के लिए, तो हमें कॉल करें 011-222-2444 पर, और शेयर कीजिए अपने आइडियाज हमारे साथ। यहाँ लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होंगे।
सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं शेयर आइडिया चलते इंडिया। स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं